मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। आगरा में पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं एज ए इमरजेंसी सर्जन, एज ए लेजर सर्जन, एज ए इमरजेंसी सर्जन, एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं एज ए जनरल सर्जन दे रहा हूँ। मैंने वीडियो पर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उनको देखें। आपको रेबीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हमको इस बारे में नॉलेज की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे कहा है कि हमारे घर में पेट डॉग है, क्या हमको, अगर वो हमको काट लेता है पेट डॉग, तो क्या हमको रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। आज इसी सब्जेक्ट पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक केस आया है जिसमें कि एक पेट डॉग ने ओनर को और उसके लड़कियों को काट लिया था और विद इन वन मंथ दोनों की डेथ हो गई, और डॉगी की काटने के 3-4 दिन बाद ही, 2 दिन बाद ही डेथ हो गई। तो इसलिए इनकी बातों को पढ़कर, न्यूज़ में पढ़कर, हम सबको सजग होना चाहिए। और हम सजग लेते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन हमको रहती है, तो हम अपने आप को 100% प्रिवेंटेबल डिसीज़ को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने समय पर एक्शन नहीं लिया तो ये 100% फेटल डिसीज़ है और हम नहीं बच सकते हैं। अगर आपके घर में पेट डॉग है और उसने आपको काटा है, तो इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं कि आपने वैक्सीन लगवा रखी है, जो प्री एक्सपोजर वैक्सीन होती है वो आपने लगवा रखी है, या आपने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है। इन दोनों मैं बात करूँगा आपसे। अगर आपने पहले वैक्सीन लगवा रखी है, प्री एक्सपोजर वैक्सीन, तो आपको 2 इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है, 0 एंड 3rd डे पे। इनको आप इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हैं। जो आप इंट्रामस्कुलर लेंगे तो 0.5 या 1 ml जितनी भी पूरी वायल निकलती है कंपनी की, वो आपको पूरी लगवानी है। अगर आप इंट्राडर्मल लगवाते हैं तो आपको 0.1 ml लगवानी है, किसी एक तरफ भी आप लगवा सकते हैं। ये ध्यान रखिए, चाहे 0.5 ml की वायल हो या 1 ml की वायल हो, आपको 0.1 ml ही यहाँ पर एक तरफ लगवाना है, और 3rd डे पे भी आपको रिपीट डोज रिपीट करनी है। अब हम आते हैं कि आपने अगर प्री एक्सपोजर वैक्सीन नहीं लगवा रखी है, अगर आपने रेबीज वैक्सीन नहीं लगवा रखी है, तो आपको 5 इंजेक्शन लगवाने होंगे। अगर आप इंट्रामस्कुलर ले रहे हो, जो 0 डे पे लगता है, 3rd डे पे लगता है, 7th डे पे लगता है, 14th डे पे लगता है और 28 डेज पे लगता है, ये इंट्रामस्कुलर लगते हैं। और कंपनी के हिसाब से 0.5 या 1 ml जितने की पूरी वायल है वो आपको लगवानी है, इंट्रामस्कुलर लगवाना है। नीचे कूले पर नहीं लगवाना है, हाथ में ऊपर डेल्टॉइड मसल्स में लगवाने हैं। अगर आप इंट्राडर्मल लगवा रहे हो, जो जैसे कि बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में इंट्राडर्मल का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो आपको 0.1 ml लगवानी है, और ये दोनों तरफ लगती है, 0.1 ml इधर और 0.1 ml इस तरफ हर बार। लेकिन इसमें इंजेक्शन 4 लगते हैं, 0, 3, 7 एंड 28। जो 14 डेज वाली जो डोज है वो हम इंट्राडर्मल में नहीं लगवाते हैं, लेकिन इसके याद रखिए 2 इंजेक्शन लगते हैं दोनों तरफ और हर बार लगते हैं। अब सवाल आता है कि आपके पेट डॉग को अगर आपने वैक्सीन दे रखी है तो क्या निर्णय होना चाहिए। तो भी मेरा निर्णय, मेरी सलाह है आपको कि इसका मेरा निर्णय चेंज नहीं होगा। अगर आपके पेट डॉग के वैक्सीन लगी हुई है, तो भी आपको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम देखें कि कुत्ता मर रहा है कि नहीं मर रहा है। जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा है, उसी दिन से रेबीज वैक्सीन के इंजेक्शन आपको प्रारंभ कर देने चाहिए। अगर आपने लगवा रखा है प्री एक्सपोजर वैक्सीन, तो केवल आपको 2 लगने हैं, 0 एंड 3rd डे पे। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है, तो आपको इंट्रामस्कुलर लग रहा है तो 5 डोज, और इंट्राडर्मल लग रहा है तो 4 डोज आपको तुरंत लगवा लेने चाहिए। अब आप कहेंगे कि डॉगी को लगवाने का फ़ायदा क्या है वैक्सीन। डॉगी को फ़ायदा यह है कि कभी कभी हमारे बच्चों को डॉगी, या हमारे घर में कोई मेहमान आ रहे हो, या हमारे रिश्तेदार आ रहे हो, और कभी कभी उनको वो अचानक से काट लेते हैं। जब अचानक से काट लेते हैं तो इतना एकदम हमको पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी कभी हमको मालूम नहीं पड़ता कुत्ता काट लेता है और उसको हम टच हो जाते हैं, तो अगर उसके वैक्सीन लगी हुई है तो इस बात के बहुत चांसेस है कि हम पर कोई असर ना हो। लेकिन चूँकि रेबीज 100% फेटल डिसीज़ है, इसमें हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपनी जान से नहीं खेलना चाहिए, और हमको तुरंत वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। अगर आप अपने पेट डॉग आप रख रखा है, तो उसके 3 महीने के बाद से रेबीज वैक्सीन लगती है, वो आपको किसी वेट डॉक्टर की सलाह में लगवा लेनी चाहिए, जो 3 महीने के बाद से लगते हैं, और हर साल उसका बूस्टर इंजेक्शन भी दिया जाता है। आदमियों में
जो रेबीज आप वैक्सीन एक बार आप लगवा लेते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग उसकी इम्यूनिटी रहती है, उसकी मेमोरी रहती है, और केवल आपको उसके बाद 2 इंजेक्शन लेने होते हैं 0 एंड 3rd डे पे, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप वैक्सीन पहले लगवा चुके हों तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। लेकिन अगर आपने वैक्सीन कभी नहीं लगवाई है तो आपको 5 डोज की वैक्सीन के साथ आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एंड मोनोक्लोन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शन भी घाव की साइड पर लगवाने चाहिए। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं रेबीज के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि आप उनको देखें और अपने आप को रेबीज की नॉलेज से भरपूर रखें। थैंक यू।